ओम शांति। 17, 11, 22 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है आज का, लोक के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बाप के बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यह तुमको अशरीरी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है आज का, मुखड़ा देख ल रे प्राणी जरा, दर्पण में पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। ओम शांति जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परमात्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता है, बाबा कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉडफादर अर्थात वह हमारा पिता है, यह भी कहते हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्माएं समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम आत्मा कहती हो हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला, बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया, बाबा कहने से बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियाँ माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा बाबा कहता रहेगा, बच्चे का बाप के तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यह तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नर्कवासी बने, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया। यह है डिटेल की बातें, बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्य का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसी को मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, उन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात, तुमको अभी सत्य का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है, 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर
नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्मों वहाँ होंगे नहीं, सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटिजम को आना है, डिटिजम माना देवता आत्माओं को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सती त्रेता में कोई धर्म स्थापक करने आता ही नहीं है, भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग, है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है, तो सब बौद्ध, परंतु रुद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी डाल, भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों के आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं, यह बाबिड समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया, इनों के बच्चे कितने हुए, कुछ नहीं जानते। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्ययुग की आयु कितनी है, कह देते लाखों हजार वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए, लाखों वर्ष सत्ययुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष, और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती, इतनी लंबी आयु देती है। क्रिएटर डायरेक्टर समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सत्ययुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब, यह सब बातें वापिस समझाते हैं। स्कूल में पहले अलग भी पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इंतम पास करते हैं, तो अलग बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यह भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ते आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी नीचे हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, यह उन्हों के बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो, भक्तों लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं,
परंतु उनसे कोई को मुक्ति जुन्मुक्ति नहीं मिल सकती है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सत्युग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कला पूरा होगा तो वांग मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट गए हैं। वांग मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, ड्रेस देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उनों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई के पाक कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजे जो है उनकी पहरवाई जो अपने अपने होती है। यह फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वांग मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रसम रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी का अलग, यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहेद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहेद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं, यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोग के वश कहते बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, या शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, ये शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए, वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पति दुनिया, पति शरीर, क्योंकि विषय पैदा होते हैं। बाप कला पहले माफी कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है, ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजे फिर से स्थापन हो रही है, समझाना भी पड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान जरूर बाप को समझाना चाहिए, परंतु मनुष्य के समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं, आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कलप बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी वे बिचारी होनी है। आधा कलप के लिए सामग्री चाहिए। सत्विक त्रेता के त्रेता में सामग्री की दरकार ही नहीं होती, यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो जट धारणा हो जाती है। साल्वेंट मना पवित्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान धारणा बुद्धि में सहज रीति से हो जाती है। बाकी किसी को सुनाने के लिए नोटिस लेते हैं, किताब आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा,
औरों के शास्त्रों तो पिछाड़ी में चले आते हैं। पढ़ने वाले है तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। प्रारब्ध मिल गई आधा क्लब तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वो भी उस बाप को याद करते। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यह भारत की बात है, बाप भारत में ही आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्म कुमार कुमारिया है तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडाप्ट किया फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूजी पॉइंट, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है आज का, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाओगे। उस समय अपने रमणीक अनुभव की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने सोमान की प्राप्ति की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भव है और यह मनमना भव होना ही मनोरंजन है। आज का स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।